हेलो सलाम नमस्ते कैम छो, स्वागत है आपका सोमनाथ में। पीछे आपको सोमनाथ का मंदिर दिखेगा, तो मैं आपको आज सब जगह घुमाऊंगा, दिखाता हूँ आपको सोमनाथ में क्या क्या देखने जैसा है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं सोमनाथ मंदिर की तरफ। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है और ये सोमनाथ महादेव का मंदिर है। सोमनाथ मंदिर को 6 बार तोड़ा गया था और 7वीं बार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको अच्छे से बनवाया था, इसीलिए यहाँ पर सामने इनकी मूर्ति इस तरह से रखी गई है मंदिर के सामने। सबसे पुराना ज्योतिर्लिंग है ये और सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है। तो विदेशी लोगों ने इसको कितनी बार लूटा, कितनी बार तोड़ा, लेकिन फिर से ये बनता गया और अभी भी ये इसी तरह खड़ा है। आप देखो ये पूरा मंदिर परिसर है, ये गेट है लेकिन बंद है। और ये जो आपको दिख रहा है ये मेन सोमनाथ मंदिर है, उसके साइड में छोटे छोटे मंदिर है और ये यहाँ का मेन प्रवेश द्वार। बाकी आप देखो आज सुबह का वक्त है और अभी ये सोमनाथ का माहौल है। ये भी आपको एक मंदिर दिखेगा, जो महारानी थी अहिल्याबाई होलकर, उन्होंने इस मंदिर को बनाया था। ये भी सोमनाथ महादेव मंदिर है, देखो आप लिखा हुआ है सोमनाथ महादेव मंदिर। तो इस सोमनाथ मंदिर के सामने ठीक यहाँ पर मेन सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है और यहाँ पर पूरा समुद्र बीच है, तो उधर चलते हैं। मंदिर के वहाँ से लगा के पूरा बैरिकेड किया हुआ है, देखो आगे तक। ये मंदिर का अंदर से नज़ारा है, देखो पूरा सामने मंदिर है और ये पैसेज है मंदिर का और वहाँ से एंट्री है सामने आगे से। तो शंख मिलेंगे आपको सोमनाथ मंदिर के पास में, बड़े बड़े अलग अलग तरह के, काफ़ी सारे वैरायटी है यहाँ पर। कितने का है शंख? 200। हाँ, ये सामने है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ मंदिर मैंने आपको नज़दीक से दिखाया था। यहाँ से एंट्री होती है मंदिर के लिए और घूमते हुए आपको इधर जाना पड़ता है और यहाँ से चेकिंग वगैरह होती है और उसके बाद में आपको अंदर भेजते हैं। और अंदर भी काफ़ी लंबी चौड़ी जगह है, वहाँ पर आपको रो में कतार में खड़ा होना पड़ता है और उसके बाद मंदिर में जाने का नंबर आता है आपका। इधर दर्शन का टाइम वगैरह लिखा हुआ है, देखो आप, सुबह 6 से 10 बजे तक दर्शन का समय है और सुबह 7 बजे आरती होती है, 12 बजे होती है और 7 बजे होती है और शाम को 8 से 9 के बीच लाइट शो होता है। ये सोमनाथ का बस स्टैंड है, देखो आप सामने बसें दिखेगी, नज़दीक में ही है बस स्टैंड यहाँ पर है और ये सामने सोमनाथ मंदिर है। इस मंदिर और बस स्टैंड के आसपास में ही सारी छोटी छोटी होटल्स वगैरह आई हुई है, तो आपको यहाँ पर 400-500 में आराम से कमरा मिल जाएगा। और अगर आपको अच्छा कमरा लेना है तो सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा संचालित यहाँ पर गेस्ट हाउस वगैरह है, 700-750 रुपये का उसका रेट है, लेकिन कमरे बड़े होते हैं, फैमिली के लिए अच्छा है। और सिंगल पर्सन हो और अगर आपको डोरमेट्री चाहिए तो 90 रुपये में भी आपको स्टे मिल जाएगा, डोरमेट्री मिल जाएगी। क्या है ये? ये भाई फ़ोटो भेज रहे, देखो ये सोमनाथ मंदिर के अंदर का नज़ारा है। क्योंकि मैं आपको अंदर लेके नहीं जा सकता तो आप यहीं से दर्शन कर लो। जय सोमनाथ, जय सोमनाथ। देखो आपको मंदिर के अंदर के भी दर्शन करवा लिए, अंदर कैमरा अलाउ नहीं था लेकिन बाबा मिल गए तो यहीं से दर्शन कर लो। चलते हैं अभी आगे, बड़ा सा सर्कल मैंने आपको बाहर से दिखाया लेकिन इसका काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास है, तो इसका जो इतिहास है वो हमें बताएंगे यहाँ पर भाई साहब खड़े। क्या नाम आपका? ये अमित जी गोयल थे, हमारे पूर्व जो है। अच्छा, वो यहाँ जब मुगलों का राज हुआ करता था तब मुगल जब मंदिर के ऊपर आक्रमण करने वाले थे और जो मोहम्मद बेगड़ा था उसने पहली बार आक्रमण किया था, फिर जो अमीर जी गोयल की वीरता देखकर जो उसका मस्तक है वो शिव जी के ऊपर गिर गया, भगवान के आगे उसका मस्तक झुक गया। उसके बाद वो हार नहीं माना था, फिर भी हार मान के चला गया कि इस आदमी में कुछ तो है। उसके पास तो फौज भी बहुत बढ़िया थी, अमीर जी तो एक थे और उसके पास 100-200 आदमी थे। यहाँ की मेन बात ये है, यहाँ पर जो भी ध्वजा चढ़ती है वो यहाँ पर स्पर्श करने के बाद ही ध्वजा चढ़ती है। लोग ही आते हैं तो उनको इतिहास पता नहीं है तो उनको ऐसा लगता है एक नॉर्मल सर्कल जैसा सर्कल है, तो ये एक सर्कल नहीं है, ये एक तरह का मंदिर है। आप ये समझ लो ये मंदिर है, तो आप आओ तो यहाँ नमन करके आगे की तरफ बढ़ना तो आपकी जो यात्रा है वो सुखमय और सफल रहेगी। अमीर जी ने अमीर जी का इतिहास इस तरह से है कि जब यहाँ पर आक्रमण हुआ था सोमनाथ मंदिर पर, तो आक्रमणकारियों से लड़ते लड़ते ये शहीद हो गए थे, इनको वीरगति मिली थी, तो इनका जो मस्तक था वो महादेव के चरणों में इन्होंने समर्पित कर दिया था, तो इसके लिए इनका बहुत यहाँ पर नाम है अमीर जी का। जो भी आते हैं पहले यहाँ पर इनको प्रणाम करते हैं, दर्शन करते हैं और उसके बाद वहाँ पर आगे मंदिर की तरफ जाते हैं। और इनका जो समाधि है वो आगे, मैंने जो आपको अहिल्याबाई होलकर मंदिर बताया था छोटा सोमनाथ मंदिर, उसके अंदर इनकी समाधि दी हुई है। ये वो सर्कल है, सामने वो मंदिर दिख रहा होगा,
और ये जो रास्ता है वो जाता है बीच की तरफ, तो आगे चलते हैं बीच की तरफ। तो ये ऑफिस है, यहाँ से बीच में जाने का मार्ग दिख रहा होगा आपको, और 5 रुपये टिकट है बीच पे जाने का, तो टिकट ले लेते हैं और फिर चलते हैं अंदर। बीच की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर वो आपको यहाँ से बीच समुद्र दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर दिखेंगे आपको काफ़ी सारे ऊँट, ऊँट की सवारी फेमस है यहाँ पर। तो ये है सोमनाथ का बीच, आप देखो काफ़ी अच्छा पानी है, साफ़ सुथरा पानी है, और ऊँट और घोड़े काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। आप देखो ऊँट और घोड़े की सवारी अच्छे से करते हैं लोग यहाँ पर, ऊँट भी एकदम तैयार सजा के एकदम उसको सवारी करवाते हैं। देखो आप पीछे खड़े हो। आपने बीच का नज़ारा देखा, काफ़ी पानी काफ़ी आगे तक है, अच्छा पानी आ रहा है, सुबह का समय है इसलिए, और ऊँट घोड़े काफ़ी अच्छे से लोग सवारी कर रहे हैं, बढ़िया नज़ारा है। अभी बढ़ते हैं आगे की तरफ, उस तरफ वहाँ पर मंदिर है, उस तरफ चलते हैं। पूरा लंबा सा देखो वहाँ से शुरू होता है और ऐसा करता करता पूरा आगे तक ये पूरा बना हुआ है, तो वॉकवे काफ़ी लंबा है, और इस पर अगर आपको घूमना है तो आप साइकिल भी ले सकते हो, यहाँ पर साइकिल भी मिलती है रेंट से, मैंने आपको दिखाया था रेट वगैरह। वहाँ से हम आए हैं और ये पूरा पैसेज है मंदिर का, और ये है सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, और ये रास्ता आगे बढ़ जाता है पीछे की तरफ और आगे तक, और पास में है ये समुद्र, देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो ये मंदिर मैंने आपको दिखाया, और ये वॉकवे पीछे तक बढ़ रहा है, देखो आगे है पूरा समुद्र है ये, और रास्ता काफ़ी लंबा है, काफ़ी आगे तक है। तो इस तरह से देखो ये लोग साइकिल लेके निकलते हैं, अगर आपको भी साइकिल चाहिए तो यहाँ रेंट से मिल जाती है। वॉकवे काफ़ी लंबा है पीछे तक, और चलते चलते काफ़ी समय हो जाएगा। तो मेन मंदिर था वो मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पर, ये देखो पास में ये मंदिर है मेन, और इस तरफ ये समुद्र है पूरा। तो अभी चलते हैं आगे की तरफ, काफ़ी अच्छा नज़ारा था। तो मैंने अभी एक रिक्शा किया है साइट सीन के लिए,
मेरे साथ विजय भाई है, विजय भाई ना, विजय भाई है, 400 रुपया लेंगे ये और ढाई घंटे मुझे घुमाएंगे सोमनाथ के जितने भी आसपास में जो देखने लायक जगह है वो मुझे लेके जाएंगे। तो चलते हैं, बढ़ते आगे की तरफ विजय भाई के साथ। चलिए विजय भाई, इस जगह को बोलते हैं बाण गंगेश्वर। यहाँ पर 3 शिवलिंग है समुद्र के अंदर किनारे पर ही है, मतलब समुद्र उसका अभिषेक करता है। बोलते हैं वो तीनों स्वयंभू शिवलिंग है, अपने आप जमीन में से प्रकट हुए दरिया में से। तो उसमें से एक शिवलिंग पीछे है, आप देखो वहाँ पे आपको दिखेगा। मैं जहाँ से खड़ा हूँ वहाँ से लगभग 20-25 मीटर की दूरी पर है और ये शिवलिंग स्वयंभू है। एक शिवलिंग यहाँ पर है, 2 शिवलिंग आगे है, तो आगे चलते हैं। लेकिन जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो कृष्ण भगवान थे उनको यहाँ से जरा नाम के बिल ने बाण मारा था इस जगह से, इसलिए इसको बोलते हैं बाण गंगेश्वर। और कृष्ण भगवान को जहाँ पर बाण लगा था वो जगह भी पास में ही है, उसको बोलते हैं बालका तीर्थ। तो समुद्र के किनारे पर है, काफ़ी अच्छा नज़ारा दिखता है देखो आप। और लगभग 2 किलोमीटर के आसपास है सोमनाथ मंदिर से, वेरावल की तरफ है ये। एक शिवलिंग मैंने आपको आगे दिखाया था और बाकी ये 2, एक ये है एक वो वहाँ पर है। क्या ये मोती है? मोती, रियल मोती, नेचुरल मोती। अच्छा, इसके अंदर है? इसके अंदर है, देखो इधर देखो भैया, लेना पड़ेगा वो भैया। देखो इंडिया कीड़ा भी रहता है इसमें, इसने मोती निकाल के दिखाया है, देखो ये मोती है। तो बाण गंगा पर आओ तो इससे मोती लेके जाना, रियल मोती निकाल के देगा ये। थैंक यू। तो आ गया हूँ मैं बालका तीर्थ पर, यही वो जगह है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को पैरों में बाण लगा था, बाण गंगेश्वर से बाण चलाया था जरा ने, और यहाँ पर भगवान कृष्ण को पैरों में लगा था। तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से लगभग 3 या 4 किलोमीटर दूर ये बालका तीर्थ आया हुआ है। तो चलते हैं बालका तीर्थ के अंदर। ये स्टोरी लिखी हुई है पूरी, आप देखो, आप स्टॉप करके पढ़ लेना। तो ये वो मंदिर है बालका तीर्थ का और ये मुख्य मंदिर का गर्भगृह है। सामने भगवान कृष्ण की मूर्ति है और ये जरा शिकारी की मूर्ति है और ये वो पेड़ है जिसके नीचे कृष्ण भगवान लेटे थे और उनको बाण लगा था। अभी तक ये पेड़ यहाँ पर सलामत रखा है इसको। तो ये वो मंदिर है, इसके पीछे आ गया हूँ मैं बाहर की तरफ और ये सारा मंदिर का पैसेज है, आप देखो यहाँ से। और ये आपको एक कुंड दिखाई देगा, मंदिर के ठीक बगल में कुंड है। ये वो मुख्य मंदिर है जो मैंने अभी आपको दिखाया और पास में यहाँ पर एक छोटा सा शिव जी का मंदिर बना हुआ है। तो ये यहाँ से नज़ारा है देखो आप, पीछे पीपल का पेड़ है, छोटा सा मंदिर है शिव जी का ये। और ये वो मुख्य मंदिर है जो मैंने आपको दिखाया बालका तीर्थ, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लगी हुई है और वो पेड़ भी है जिसके नीचे भगवान श्री कृष्ण को बाण लगा था। तो काफ़ी ऐतिहासिक जगह है और काफ़ी धार्मिक प्लेस है ये। तो सोमनाथ आओ तो इस जगह को मिस मत करना। तो अभी चलते हैं बाहर की तरफ। तो अभी काफ़ी सारी जगह बाकी है सोमनाथ में, लेकिन एक वीडियो में सब कुछ दिखाना पॉसिबल नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगला पार्ट जल्दी लेके आऊँगा मैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, जल्दी मिलते हैं अगले पार्ट में।